साल 2024 का आखिरी चंद्र ग्रहण 18 सितंबर 2024 को लगने जा रहा है। इसके साथ ही आज यानी 17 सितंबर से पितृ पक्ष का भी आगाज हो गया है। चंद्र ग्रहण और पितृ पक्ष दोनों ही हिंदू धर्म में बड़ा महत्व रखते हैं। ऐसे में चंद्र ग्रहण का पितृ पक्ष पर क्या असर पड़ने वाला है, किस समय पितरों की पूजा करना सही होगा, आइए जानते हैं। उज्जैन के पंडित आनंद भारद्वाज से खास बातचीत की है। पहले ये जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण किस समय लगने वाला है। 18 सितंबर 2024 को लगने वाला चंद्र ग्रहण सुबह 6:12 बजे शुरू होगा और इसका समापन सुबह 10:17 बजे होगा। चंद्र ग्रहण के परमग्रास का समय सुबह 8:14 बजे होगा। यह ग्रहण कुल 4 घंटे 5 मिनट तक रहेगा और इसके बाद ग्रहण समाप्त हो जाएगा। सूतक काल वह समय होता है जब ग्रहण से 9 घंटे पहले का समय होता है। इस दौरान कोई भी धार्मिक या मांगलिक कार्य नहीं किए जाते। इस बार के चंद्र ग्रहण का सूतक काल भारत में मान्य नहीं होगा क्योंकि यह ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा। तो आइए अब पंडित आनंद भारद्वाज से चंद्र ग्रहण और पितृ पक्ष के बीच का कनेक्शन समझते हैं। इस श्राद्ध पक्ष से प्रारंभ हो रहे हैं जो कि 17 सितंबर से प्रारंभ हो रहे हैं। चंद्र ग्रहण श्राद्ध पक्ष की प्रतिपदा 18 सितंबर को आ रहा है। इसमें श्राद्ध भी प्रारंभ हो गए और श्राद्धों के बीच में ही आ रहा है, तो लोगों में अधिकतर मान्यता है कि ग्रहण के समय में दैविक कार्य तथा पैतृक कार्य, शुभ कार्य आदि नहीं करना चाहिए। वैदिक पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि 17 सितंबर को सुबह 11:44 से शुरू होगी। पूर्णिमा तिथि का समापन 18 सितंबर को सुबह 8:04 पर होगा। पूर्णिमा श्राद्ध 17 सितंबर को किया जाएगा। वहीं प्रतिपदा तिथि की श्राद्ध तिथि 18 सितंबर को पड़ रही है। बता दें कि श्राद्ध पक्ष प्रतिपदा तिथि से शुरू होता है, इसलिए 18 सितंबर से पिंडदान, तर्पण, ब्राह्मण भोजन और दान जैसे अन्य दूसरे कार्य किए जाएंगे। ऐसे में पितृ पक्ष का आरंभ 18 सितंबर से हो रहा है जो कि 2 अक्टूबर 2024 तक चलेगा। अगर पितृ पक्ष में हम तर्पण करते हैं, दान करते हैं, श्राद्ध पक्ष में श्राद्ध आदि अर्पण डालते हैं, तो इसका चंद्र ग्रहण है, चंद्र ग्रहण का समय बताया गया है। चंद्र ग्रहण का समय 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक रहेगा। इस प्रकार इस समय अगर पितृकार तर्पण कार्य अगर कर रहे हैं, श्राद्ध कार्य धूप आदि कर रहे हैं, तो यह समय को त्याग कर करके जब चंद्र ग्रहण का मोक्ष काल हो जाए उसके पश्चात पितृदेवताओं के लिए तर्पण करें तथा उनको नैवेद्य भोग आदि श्राद्ध जो भी करना है, धूप आदि देना है, वो कार्य अपन पितरों का करें तो पितृ की प्रसन्नता रहेगी। इस साल पितृपक्ष में 18 सितंबर को चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समयानुसार 18 सितंबर को सुबह 6:12 से शुरू होकर सुबह 10:17 तक रहेगा। इस ग्रहण का भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी श्राद्ध करने वाले व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए कि ग्रहण काल समाप्त होने तक उन्हें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। उन्होंने ग्रहण के मोक्ष काल की समाप्ति के बाद ही प्रतिपदा का श्राद्ध शुरू करना ही ठीक रहेगा।